तो जिसका डर था वही हुआ। 2 मई 2022 को ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिसकी प्रिडिक्शन राकेश शर्मा, एम्ब्रेस वाले या फिर डॉक्टर विलास जगदले ने की थी। अब आप लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों के ये दावे होंगे कि वही चीज़ रायपुर में हुई, डिवाइन ने अपना प्लान बदल दिया, मतलब डिवाइन ने अपने जो संदेश वाहक हैं उनको एक संदेश दिया और तुरंत अपना मतलब पासा पलट दिया। जय कल्कि, जय जगत पते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पंच। अब कल जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी नहीं हुआ, उसका ज़्यादातर लोगों पर वही असर हुआ जो मुझे अंदाज था। मैंने पहले ही ये बोला था कि ये चीज़ डेट कभी भी क्लियर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने डेट बताई और उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने उम्मीद लगाए रखी। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे थे इस डेट का जैसे उनके एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है। मतलब इतना इंतज़ार तो शायद उस टाइम भी नहीं होगा। आप लोग भी अग्री करेंगे, कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसे इंतज़ार कर रहे थे। अब बात है कि आखिर हुआ क्या। जो पहले प्रेडिक्शन बताया गया था, डॉक्टर विलास जगदले के चैनल पर भी ये पोस्ट डाल दिया गया था, मैंने वीडियो के द्वारा भी बता दिया था आपको कि बेंगलुरु में ये घटना होने वाली है और शाम ढलने से पहले पहले ये चीज़ें होने वाली हैं। पहले तो ये जो बात भी थी वो पूरी तरह से इनलॉजिकल थी। अगर आप लोग देखेंगे तो बताया जा रहा था कि क्या चीरते हुए प्रकट होंगे डिवाइन एनर्जी, ऐसा कुछ बताया गया था। पहली बात तो ये, कई लोग मुझे बता रहे थे जब मैंने बोला पहले कि पहले कल ही आएगा फिर कल के अवतार आएंगे, तो मुझे बड़े बड़े दावे सुनने को मिले कि कल ही तो ऑलरेडी हैं, एक्सिस्ट करता है, वो तो पहले से ही हैं, वो वापस कैसे प्रकट होगा, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात है। अगर यही चीज़ है तो कल के अवतार ऑलरेडी हैं। अगर आप लोग मानते हैं कि चीरते हुए आएंगे तो कल के अवतार तो ऑलरेडी हैं दुनिया में, भारत में ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, तो फिर से उनको ये चीरते हुए बारिश में आने की क्या जरूरत है, मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद अब जो दावा निकल के आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो चीज़ होने वाली थी बेंगलुरु में वो हो चुकी हैं अचानक से रायपुर में। आप लोग ये कम्युनिटी पोस्ट दोनों तरफ से देख रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इस पर यकीन भी कर रहे हैं। मेरा बस उन लोगों को इतना ही कहना है, थोड़ी सी अपनी आंखें खोलिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, जो कि शायद ज़्यादातर लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो इतने बेवकूफ़ी भरी बातों पे शायद यकीन करते। मुझे मालूम है ज़्यादातर लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कमेंट में, उन्होंने गालियाँ भी अब तक लिखना शुरू कर दिया होगा, तो खुलाएं आप लोग जो चाहे लिख सकते हो। पर ये चीज़ क्लियर है कि आज के समय में दो ही ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में जो कि इंटरनेट पे हैं और बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं, वो है एक तो Punk369 जो कि डिटेल में चीज़ों को बता रहे हैं और एकदम परफेक्ट हैं और अपनी जो बात है उस पर 100% क्लियर है। दूसरा जो है वो है अपने उमेश जी, जो भले ही बहुत बोलते हैं ना लिमिटेड चीज़ें जानते हैं, बहुत 3 पॉइंट ही जानते हैं, पर अपनी चीज़ पर क्लियर है, अपनी चीज़ पर टिके हुए हैं। ना उन लोगों को पॉपुलरिटी की भूख है और ना ही किसी चीज़ की अपने आप को नेता बनाना है। आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा उनमें दोनों में से किसी ने ऐसा बोला हो कि हम आपको इधर ले जाएंगे, हम आपको ये कराएंगे। नहीं, जो कुछ भी करने वाले हैं डिवाइन ही करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप Punk369 को देखेंगे तो उनकी वीडियोज़ को कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आप उनके टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो उनकी वो अपनी बात पर पूरी तरह से क्लियर हैं। उनकी तरफ से कभी ऐसे दावे नहीं देखने को मिले हैं कि आज आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। एक चीज़ मान के चलिए, जैसा कि उमेश जी ने अपनी बहुत पहले आज से 2-2.5 साल पहले बताया था कि जब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे उससे पहले कोई इंसान नहीं जान पाएगा कि वो कब प्रकट होंगे और वो कौन होंगे। जबकि दुनिया भर के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि कल के अवतार कौन हैं, कहाँ हैं और बहुत जल्द प्रकट होने वाले हैं। अब तो ये तारीख जब अनाउंस हुई मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा कि आखिर ये कैसे मतलब ये चीज़ बता रहे हैं। पर उसके बाद भी ये चीज़ें हुई और आप लोग देख रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकला। अब जो पोस्ट डाले हैं आप लोग देख रहे हो कि बेंगलुरु से वो चीज़ शिफ्ट हो गई, रायपुर पहुँच गई और कुछ लोग इससे अग्री भी कर रहे हैं। अब आप लोग इससे कितना अग्री करते हैं कितना नहीं करते वो आपके ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जो बारिश और ये माहौल दिखाया था पूरे भारत में कहीं पे भी हो सकता था और कहीं बहुत जगह पे हुआ भी होगा, सिर्फ रायपुर में नहीं। आप लोग जहाँ पे भी रहते हो, क्या भारत में कहीं भी कल बारिश या तूफान जैसी स्थिति नहीं हुई? डेफिनेटली हुई होगी, पर जहाँ पे बताया गया था बेंगलुरु में वहाँ पे एक बारिश की बूंद भी नहीं गिरी कल। इससे साफ जाहिर होता है कि अब भी किसी पे भी यकीन करना बेवकूफ़ी होगा। मेनली बात की जाए कि भगवान कल की कब प्रकट होंगे, लोगों के मन में बस यही है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मान लीजिए दो चीज़ें हैं, एक है अच्छी और एक है बुरी। अब जो चीज़ आपकी बुराई करने वाले हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए कि आपकी बुराई कौन कर रहा है, पहले समझ लीजिए कि आप किसके जाल में फंस रहे हैं।
अगर आप लोग यही नहीं पता लगा पाएंगे कि हम कहाँ फंस रहे हैं, तो मदद करने वाला कहाँ से तो मदद करेगा। पहले आप खुद की मदद कीजिए कि आप लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं। भगवान को ढूंढना छोड़िए, अगर आपकी किस्मत में होगा तो भगवान खुद आपको ढूंढ लेंगे। इसलिए भगवान को ढूंढना छोड़ दीजिए कि कौन है, कल के अवतार कहाँ हैं, कितने साल के हैं, उम्र क्या है, ये फलाने ढिकड़ा में फंसना छोड़िए। मेनली अगर आपको ध्यान दे रही है तो मेनली ध्यान दीजिए कि हम किस सिस्टम में फंसे हुए हैं, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, और मेनली कली कौन है, इस पर ध्यान दीजिए। जब तक कली हमको नहीं मिलेगा तब तक भगवान कल्कि के आने के चांस समझ लीजिए जीरो हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मेनली इसका कारण है कि सिचुएशन बुरी है, पर इतनी बुरी नहीं हुई है कि भगवान को प्रकट होना पड़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें इनलीगली पीछे से हो रही हैं, पर जो भगवान कल्कि हैं उन्होंने भी इंसान के रूप में जन्म लिया है। अगर उनको भगवान की तरह काम करना होता तो ऊपर से काम कर देते, इंसान के रूप में जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता। और मेनली अगर भगवान कल्कि हैं इस दुनिया में, जो कि डेफिनेटली हैं, तो उनको कोई ये आसमान चीर के प्रकट होने का भी जरूरत नहीं है, या फिर एनर्जी फॉर्म में, या फिर बारिश करा के नहीं आने की जरूरत है कि हाँ देखो मैं ही कल के अवतार हूँ। अगर उनको आप अगर राम का जीवन देखेंगे, भगवान श्री राम का, हम राम को भगवान क्यों मानते हैं, अगर प्रभु श्री राम का आप लोग जीवन देखेंगे तो पूरे जीवन में कहीं पे भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि राम जी बिल्कुल आसमान चीर के कहीं पे निकले हैं, या फिर अपने आप को भगवान घोषित किया है कि मैं ही भगवान हूँ। एक भी ऐसा जिक्र नहीं है जहाँ पे उन्होंने खुद को भगवान बताया हो। पर आप लोग देख रहे हैं उनके कर्मों के आधार पे, उनके डिसीजन के आधार पे, बुरी से बुरी परिस्थितियों में उन्होंने जो अपने आप को संतुलित रखा है, अपने आप को संभाला है, हर परिस्थिति में अपने आप को काम रखा है, बिल्कुल जो हालात के हिसाब से रखा है, मर्यादा पुरुषम इसीलिए कहलाए वो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके गुण थे, उनके सही डिसीजन थे और उनका धर्म का पालन था, इसीलिए हम लोग आज भगवान मानते हैं। तो जब कोई ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने आएगा जो कि बिल्कुल धर्म के लिए काम कर रहा होगा, इंसानों के लिए काम कर रहा होगा, सही के लिए काम कर रहा होगा, वही कल के अवतार होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आसमान चीर के निकलेगा और अचानक से सब लोग पहुँच जाएंगे, अरे अरे भगवान यही हैं कल के अवतार। ऐसा तो कली भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मानते हैं कि कली होलोग्राम टेक्नोलॉजी से फेक एलियन इन्वेशन दिखा सकता है, फेक यूएफओ साइटिंग्स दिखा सकते हैं, तो क्या ये चांसेस नहीं है कि वो फेक अपने ही आप को कल के अवतार दिखा दे? अगर लोग अंधों की तरह ये बिलीव करेंगे कि कल के अवतार आसमान चीर के अचानक से निकलेंगे, हाँ ऐसी सिचुएशन होगी, हो सकती है ऐसे कुछ दृश्य देखने को मिले, पर अभी नहीं है वो टाइम। ये चीज़ एंड में हो सकती है कुछ हो, पर जो भी कल के अवतार होगा वो अपने डिसीजन से होगा, अपने जो काम से होगा, अपने गुणों से होगा, ना कि किसी के बोलने से कि मैं कल के अवतार हूँ। ऐसे तो दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे, या फिर कोई और बताएगा आपको कि ये कल के अवतार हैं, इसी की पूजा कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक वो प्रकट नहीं होंगे कोई भी उन्हें नहीं जान पाएगा। मेनली जो हम लोग इंसान अभी इधर उधर घूम रहे हैं वो तो बिल्कुल भूल जाओ कि वो पहचान पाएंगे। कुछ दिव्य आत्माएं डेफिनेटली हो सकती हैं जो कि पहचान जाए, पर खुद को दिव्य आत्मा बताना ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप लोग देखेंगे कि जितने भी भगवान कृष्ण हुए, चाहे राम हुए, कहीं पे भी किसी ने खुद को दिव्य आत्मा, देवताओं के अंश या ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मेनली अभी आपका फोकस होना चाहिए कि जिस जाल में हम लोग फंस रहे हैं उससे कैसे बचा जाए। भगवान कल्कि को ढूंढने से अच्छा है आप लोग ढूंढिए कली को, कि कली कौन है, किस तरह से अपने जाल को फैला रहे हैं। और इसी से रिलेटेड मैंने टेलीग्राम पे भी कल एक पोस्ट डाला था, उससे रिलेटेड वीडियो 3 बजे तक अपलोड हो जाएगा, आप लोग जरूर से देखेगा। उसमें आपको क्लियर होगा कि कली कौन हो सकता है, एक बड़ा क्लू मिला है, समझ सकते हैं आप, एक बड़ा प्रूफ मिला है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कली को ढूंढिए, थर्ड टेम्पल एक बार बन जाए तो कन्फर्म हो जाएगा, पर 90% चांस मेरे को लग रहे हैं एक मेरे को लीडर मिल चुका है, एक कैरेक्टर मिल चुका है, एक इंसानी रूप में एक मेंढक मिल चुका है जो कि हो सकता है कली। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे 3 बजे वाली वीडियो में। मेनली आप लोग ये सोच के चलिए, मेरे को मालूम है कई लोग गालियाँ लिख चुके होंगे या फिर लिखने की तैयारी में होंगे, पर आप चाहे जो भी मानिए, अगर जो भी कुछ सही बंदा है जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है वो आराम से समझ जाएगा मेरी बात की मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज के समय में कोई भी आपको दिख रहा है जो खुद को बता रहा है महान, तो भूल जाइए कि वो आपको सही जानकारी देगा, वो एक तरह से आपको बेवकूफ़ी बना रहा है। चाहे 3D से 5D में ले जाने की बात हो या फिर कोई भी बात हो, आप बस फिलहाल कली पे ध्यान दीजिए। जिस जाल में आप लोग धीरे धीरे करके फंस रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, ये बेकार की बातों पे। और मेरी मानिए तो कल की अवतार को ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में है, आपके कामों में है, तो डेफिनेटली कल के अवतार खुद पहुँच जाएंगे आप तक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग हैं कमेंट जरूर से पोस्ट कीजिए, नेगेटिव के साथ, मेरे को मालूम है पॉजिटिव लोग भी सोचने वाले हैं,
तो कमेंट जरूर से पोस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हरे के साथ दोस्तों।